सुहागरात के बाद दूल्हे ने ऐसा कदम उठाया कि दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। गले में फंदा लगाकर दूल्हे ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना के बाद से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस घटना की हर एक बिंदुओं की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर घटना के कारण क्या था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। इलाके में लोगों के बीच यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आखिर सुहागरात के दिन ऐसा क्या हुआ कि दूल्हे को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना से आसपास के इलाके के लोग भी सकते में हैं। यह हैरान करने वाली घटना पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित बी गार्डन थाना क्षेत्र के शालीमार इलाके का है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 7 दिसंबर को बैरकपुर की रहने वाली लड़की के साथ शालीमार निवासी 24 वर्षीय आदर्श साव की शादी धूमधाम के साथ हुई। शादी के बाद जब 8 दिसंबर को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची थी, तब 9 दिसंबर को बहुभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें परिवार और सगे संबंधी सभी शामिल हुए थे। बहुभोज के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, जिसके अगले दिन यानी 10 दिसंबर को फंदे में पति को लटका देख दुल्हन चीखने चिल्लाने लगी। दुल्हन की रोने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और फंदे से लटके आदर्श साव को देख सभी के होश उड़ गए। दुल्हन लगातार रो रही थी। उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह खुद हैरान थी कि आखिर उसके पति ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। दूल्हे को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में दुल्हन ने बताया कि शादी तय होने के बाद पिछले 6 महीनों से दोनों संपर्क में थे। अक्सर दोनों के बीच बातें होती थी। शादी के इस दिन का इंतजार हम लोगों को बेसब्री से था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुहागरात के अगले दिन जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गई, तभी इसी बीच पति ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके आने के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा।